नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं ईशा बांबा। आइए नजर डालते हैं खास खास खबरों पर। बढ़ते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की ओर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर जम्मू में हुए कई कार्यक्रम आयोजित, मतदाताओं को वोट के महत्व के बारे में किया गया जागरूक। भारतीय जनता पार्टी के नेता और चनेनी के पूर्व विधायक दीनानाथ भगत कांग्रेस में हुए शामिल। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू संभाग में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध, जगह जगह नाके लगाकर वाहनों की जा रही है जांच। और श्रीनगर में आतंकियों ने हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर ग्रेनेड फेंकने की घटना को दिया अंजाम, 3 नागरिक हुए घायल। और अब समाचार विस्तार से। 12वें नेशनल वोटर्स डे के मौके पर आज राजभवन जम्मू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और राजभवन के स्टाफ ने विशेष तौर पर भाग लिया। कार्यक्रम में अपने मतदान का उपयोग करने की शपथ ली गई और वोट के महत्व के बारे में अवगत करवाया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि हम सबको अपने वोट का महत्व समझना चाहिए और मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। हम भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिश्नाह में भी नेशनल वोटर्स डे के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार सोहन लाल राणा, बीएमओ राकेश मल्होत्रा, चुनाव अधिकारी अशोक पांडे के साथ साथ प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के बारे में जहां शपथ ली गई, वहां सभी से आह्वान किया गया कि अपने वोट के महत्व को समझें और इसका उपयोग करें। लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा रखते हुए बनाए रखेंगे। राशि दत्ता, सीडीपीओ बिश्नाह। आज मैं नेशनल वोटर्स डे पे सभी को बधाई देती हूँ। आज हमने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसके जरिए हम लोगों को सूचित करना चाहते हैं कि ब्लॉक तहसील में आइए और अपने वोट आपका, अगर आपका कोई भी करेक्शन है या फिर आपकी कोई भी दिक्कत है जिससे आपका वोटर कार्ड नहीं बन पाया, वो आइए यहाँ पे करेक्शन करवाइए, ठीक करवाइए, नए वोटर कार्ड बनवाइए, जिससे आने वाले इलेक्शन में आप अपने मत का पूरा प्रयोग कर सके। नई जनरेशन जो नया एक जनवरी को जो हर साल को नए वोटर जो ऐड होते हैं, और ताकि उस वोटर्स को अवेयरनेस के लिए कि आने वाली जो है हमारी डेमोक्रेसी हेल्दी डेमोक्रेसी, जो उसमें क्रूति है ताकि वो शंटआउट हो, क्योंकि जितना ज्यादा वोटर अवेयरनेस होगा इतने ज्यादा चुनिंदा जो चुन के आएंगे, वैसा ही हमारी पॉलिसी देश की बनेगी, वैसा ही लाभ बनेगा और उसी के मुताबिक जो डेवलपमेंट होगी। जिला रामबन की बनिहाल तहसील में भी नेशनल वोटर्स डे के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वोट का इस्तेमाल करने को लेकर शपथ ली गई और सभी से आह्वान किया गया कि अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। इस मौके पर एसडीएम बनिहाल जहीर अब्बास के साथ साथ प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। Citizens of India having democracy hereby pledge। पूरा कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से आज ये नेशनल वोटर डे मनाया गया, जिसका जो मेन मकसद और एम था कि किस तरह से एक्टिव पार्टिसिपेशन हमारी इलेक्शंस में हो और इन फ्यूचर जो है हमारे जो बिलखसूस जो हमारी यंग जनरेशन के जो वोटर्स हैं, वो देखा गया कि उनकी पार्टिसिपेशन होती है लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होती है। तो आज हमारे बीएलओ जो हमारे बीएलओ साहिबान वगैरह थे, उनको हमने फेलिसिटेशन किया, जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था। तो आरएसपुरा में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में युवाओं ने भाग लिया
और वोट के महत्व के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर एसडीएम आरएसपुरा रामलाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने कार्यक्रम में मौजूदा लोगों को मतदान डालने के संदर्भ में शपथ दिलाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो डायरेक्शन है कि पूरे देश में जगह जगह तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिवीजन लेवल पे राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का इम्पॉर्टेंस ये है कि हमने वोटर्स को अवेयर करना है, उसके अपने वोट का इम्पॉर्टेंस बतानी है, उसका महत्व बताना है कि वोट डालना कितना जरूरी है। 12वें नेशनल वोटर्स डे के मौके पर जिला विकास आयुक्त कार्यालय उधमपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला उपायुक्त इंदु कनवल चिव के साथ साथ प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में वोट के महत्व पर बात की गई और मतदान करने के प्रति शपथ भी ली गई। कार्यक्रम के दौरान लोगों से आह्वान किया गया कि अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें और अपने वोट के महत्व को समझें। हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। हम अपने देश की देश भर में नेशनल वोटर्स डे मनाया जा रहा है। देश भर में आज कई कार्यक्रमों का आयोजन कर मतदाताओं को उनके मताधिकार के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वहीं नए मतदाताओं को वोटर कार्ड लेकर सम्मानित भी किया गया और उन्हें वोट के महत्व के बारे में अवगत करवाया गया। जिला राजौरी में आज नेशनल वोटर्स डे के सिलसिले में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिला विकास आयुक्त विकास कुंडल ने विशेष तौर पर भाग लिया और युवाओं को वोट के महत्व के बारे में जागरूक किया और कहा अपने वोट का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। राजौरी के डाक बंगले में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और चनैनी के पूर्व विधायक दीनानाथ भगत ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस के शहीदी चौक कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दीनानाथ भगत कांग्रेस में शामिल हुए, जिनका स्वागत कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रधान गुलाम अहमद मीर और कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने किया। दीनानाथ भगत ने इस मौके पर पत्रकारों से बात की और कांग्रेस में शामिल होने का कारण बताया। वहीं गुलाम अहमद मीर और रमन भल्ला ने भी कहा कि उनके आने से कांग्रेस और मजबूत होगी। लीडरशिप की तरफ से खुसूसन सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की तरफ से इनको वालहना इस्तकबाल करता हूं कि ये अपने सारे साथी समेत आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। कोविड सिचुएशनों को देखकर हमने उसको तूल नहीं दिया, वरना दोनों ऑफर थे, यहाँ पर भी कम से कम 100-200 लोग आने वाले थे इनके साथ, या हम वहाँ जाते तो वहाँ 1000-2000 लोगों के बीच में इनकी ज्वाइनिंग होती, मगर हमने कहा आज एहतियात करेंगे, कोविड को इज्जत करेंगे, सरकारी नियमों का इज्जत करेंगे, फिलहाल हम लिमिटेड में यहाँ ज्वाइनिंग करेंगे, आगे जैसे सिचुएशन बेहतर होगी तो आपके पूरे परिवार के साथ जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, रामनगर के ये रहने वाले हैं, रामनगर के ही इनका बुनियादी सब कुछ ढांचा है, बाद में टिकट चनानी से मिली थी तो वो खुशकिस्मती की बात थी। और एक बात इनके साथ जुड़ी हुई है कि जो हमारा कांग्रेस का नेटवर्क वहाँ पर है, जो कांग्रेस के साथी हैं, वो सब इनको जानते हैं और सब इनको इज्जत भी करते हैं। मैंने उनके साथ वन टू वन सब से बात की, उन सब ने कहा कि हमें खुशी है कि अगर दीनानाथ जी जैसा साथी सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी में आकर यहाँ अपना रोल अदा करे। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और हमारे खासकर जो गरीब समाज है उसके वो हितैषी नहीं, उनको बड़े बड़े लोग चाहिए, अमीर लोग चाहिए, सरमायादार लोग चाहिए, और जब भी हम कोई गरीबों की बात वहाँ रखते थे तो बड़ी घुटन फील होती थी कि वहाँ से नेगेटिव जवाब आता था।
तो उसके बाद इमीडिएटली तो मेरा कोई पार्टी ज्वाइन करने का इरादा नहीं था उस वक्त, पर जनाब मीर साहब से एक दो बार मुलाकात हुई। सागर बलवीर सिंह जी इसमें मेन रोल रहे, अनिल पजाला जी रहे और भी हमारे ओम प्रकाश जी रहे। ऐसे तो मैं सबके साथ मेरी अच्छी जान पहचान है, हमारे माननीय मूलाराम जी हैं, इनके साथ मैंने पहले भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, पल्ला साहब के साथ मैं अच्छी जान पहचान रखता हूँ, मगर कोई पॉलिटिकली हमारा कोई था नहीं। तो साथियों इन वजूहात की वजह से आज मुझे फील हुआ कि अगर इस देश के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को और उनकी भलाई का काम करना है तो महज एक कांग्रेस पार्टी है इस देश में जो अच्छा काम कर सकती है। और जहां कोई, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कोई भेदभाव रखने वाली पार्टी नहीं है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के चलते पुलिस द्वारा जम्मू शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस नाके लगाकर आने जाने वाली गाड़ियों की जांच कर रही है, वहीं संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। जम्मू के विभिन्न होटलों में भी पुलिस वहां पर ठहरने वालों की पड़ताल कर रही है और होटल मालिकों को हिदायत दे जा रही है। कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल हो तो उस बारे में पुलिस को जानकारी दें। रिपब्लिक डे की मुबारकबाद देता हूं तमाम जम्मू वासियों को, और सिक्योरिटी के बिल्कुल पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं, चाहे वो शहर की सिक्योरिटी की बात हो या डिस्ट्रिक्ट जम्मू के बॉर्डर की बात हो या बाकी हिंटरलैंड की बात हो। होटल चेकिंग, व्हीकल चेकिंग, सस्पेक्ट्स को राउंड अप करना, बैड करेक्टर्स, हिस्ट्री शीटर्स को इस टाइम पे पुलिस में बुला के इनको इंटरोगेट करना, क्वेश्चनिंग करना, शहर की पेट्रोलिंग की बात हो, इन सभी चीज़ों में हमने खास तवज्जो दी है। और मैं ये आशा रखता हूँ कि ये बड़े ही पीसफुल तरीके से हम 26 जनवरी को मनाएंगे जम्मू में। तालाब तिल्लो गेस्ट हाउस में आने जाने वाली सड़क जो बख्शीनगर मेडिकल कॉलेज की तरफ जाती है, वहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा एक नाले का निर्माण किया गया जिसकी वजह से रोड बंद हो गई है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को बख्शीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए 3 किलोमीटर का सफर ज्यादा तय करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि अगर नेशनल हाईवे वालों को नाले का निर्माण करना था तो पहले सड़क पर स्लैब डाल दी होती तो ठीक रहता। तालाब तिल्लो से हमारा जो है ये रोड आ रहा है, यहाँ पे हम बख्शीनगर को लिंक करता है। ये कभी कोई पेशेंट ऐसे हो जाए कोई हालत हो तो बख्शीनगर एमरजेंसी पे जाना पड़े तो यहाँ से हमें टर्न करना पड़ रहा है दोबारा। तो यहाँ पे ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा होती है तो इनको पहले रैंप बनाना चाहिए था, तो रैंप बना नहीं, पीछे से भी एंट्रेंस वहाँ पर भी नो एंट्री कुछ नहीं लिखा हुआ इन्होंने। तो ये देखना चाहिए, शासन ने भी देखना चाहिए इन्होंने कि ये सब तो इंतज़ाम ना तो होने चाहिए। रैंप बना देते तो कितना आसान होता, सब चले जाते। ये देखो कैसा ये किया हुआ, ये सिस्टम है ही नहीं कोई कुछ भी इनका। तो सर आएगा, अब मैंने ड्यूटी में भी जाना, मैं लेट पहले से ही घर से लेट था, पीछे जाम लगा था, वहाँ से भी लेट, अब यहाँ से फिर दोबारा लेट हो जाऊँगा मैं। तो ये कम से कम देखना चाहिए, इन्होंने ये किया हुआ है तो पहले इनका इसका तो कुछ करना चाहिए था, रैंप वगैरह बना लिंक कर देते रोड को आपस में, पीछे भी नो एंट्री का कम से कम लगा देते तो आदमी पीछे से चला जाता बाप। कोई चीज़ें बन रही हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं तो लोगों की सहूलियत के लिए बन रहे हैं, ये हम बात मान के चल रहे हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों की सहूलियत के लिए बन रहे हैं, कुछ लोगों को यहाँ पे दुखदाई भी हैं। अगर आपने यहाँ से लेके पूरा बॉडी तक देखा होगा, जितनी भी लेन्स थी, बाई लेन्स
छोटी सब्ट्रैक्ट लैंड जाती थी वो सब इन्होंने बंद कर दी है। अब आपके मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे इस वक्त कोरोना पीक पे चल रहा है, यहाँ से तालाब तलो या भगवती नगर से जितने भी यहाँ पे पेशेंट आएंगे उनको ऑन द वे यही एक सिंगल रास्ता है जो गाड़ी बख्शीनगर तक जाती है, लेकिन हाईवे वालों ने यहाँ पे पूरे का पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया हुआ है। तालाब तलो से देखा जाए तालाब तलो विकास लैंड और फ्रेंड्स लैंड में जो रोड वाइज जाती हैं उनको इन्होंने पूरा ब्लॉक करके रख दिया हुआ है। वहाँ पर 7 नंबर गली के बाहर भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था यहाँ पर फ्लैट्स के पास, लेकिन आज तक वहाँ की सुनवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि जो जो लोगों की सहूलियत के लिए नेशनल हाईवे बना रहे हैं वो तो बेटर है, लेकिन जो वाइल्ड लैंड्स हैं लोगों को जो यहाँ पे रहते हैं जो 2 लाख संख्या यहाँ पे रहती है उनको भी तो देखना चाहिए, उनके लोगों के लिए रास्ते तो छोड़ने चाहिए। चलो आज गंग्यार स्थित गवर्नमेंट राजीव गांधी हॉस्पिटल का भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने दौरा किया और अस्पताल में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच की। इस दौरान हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट से बात करते हुए बलोरिया ने कहा कि जो स्टाफ मौजूदा समय में आज जहां पर कार्यरत है उसके लिए स्वास्थ्य विभाग से प्रयास करके उन्हें सुविधाएं देने का प्रयास करेंगे, जबकि इस अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा दिलवाने का भी प्रयास निरंतर जारी रखे हुए हैं। हालांकि इस दौरान हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट द्वारा जानकारी दी गई जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर राजीव गांधी हॉस्पिटल में मौजूद है उसी के तहत अगले 15 दिनों में यहां पर ऑपरेशन थिएटर को शुरू किया जाएगा और यहां पर कई प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकेंगे। वहीं बलोरिया ने उपराज्यपाल से मांग की कि वह इस अस्पताल की तरफ ध्यान दे जिस पर सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस बिल्डिंग का उद्घाटन हमारे आदरणीय गवर्नर साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने उद्घाटन किया था और उद्घाटन के समय हमें ये एश्योरेंस दिया गया था कि इस हॉस्पिटल को एक अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे ताकि सराउंडिंग लोग अच्छी तरह इसका फ़ायदा ले सकें और उसके साथ साथ गांधीनगर के लोग जाते हैं वहाँ भी लोड काम हो सके, लेकिन जितना काम होना चाहिए था वो वहाँ आज तक नहीं हुआ। अभी जहाँ पे हमारे फिजिशियन कोई नहीं है, ENT का नहीं है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, NO नर्सिस स्टाफ जो होता है वो यहाँ पे नहीं है, तो मैं अपील करता हूँ गवर्नर साहब से और ख़ासकर हेल्थ डिपार्टमेंट से भी कि जल्दी से जल्द इस हॉस्पिटल को सही ढंग से चालू किया जाए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए। अगर ये चीज़ें सभी समयबद्ध तरीके से नहीं होती तो हम जहाँ के लोकल लोग और लोगों का रोष को देखते हुए हम मजबूर होंगे कि हमें प्रोटेस्ट और धरने भी देना पड़ेगा। श्रीनगर की हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर आज संदिग्ध आतंकियों ने ग्रेनेड फेंकने की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में 3 नागरिक घायल हो गए जिन्हें अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया। संदिग्ध आतंकियों ने ग्रेनेड सुरक्षा बलों पर फेंका था। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को अपने घेरे में लेकर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। अरनिया वार्ड नंबर 5 निवासी बोधराज पुत्र गिरधारी लाल के घर की छत बारिश की वजह से गिर गई, पर भगवान का शुक्र है कि उनका परिवार इस हादसे में बाल बाल बच गया। पीड़ित परिवार का कहना था कि उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए नगरपालिका से संपर्क किया पर किसी ने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया। ते कमेटी आह्लें आखेआ किन्ने बजे ते ओह आंदे नहीं है वी ते हुण दिक्खो हां भला सारा टुट्टे दा सारा चौंदा है ते बच्चे लिए असीं कुत्थे जाना ने वी कि जिहड़े मोदी साहब ने स्कीम कड्ढी ही मकानें वास्ते गरीबें वास्ते कि उंदे गरीबें दे मकान बने जान पक्के मकान बनाए जान गरीबें दिहाड़ीदार वास्ते क्या ओह गरीबें वास्ते आ जां अमीरें वास्ते आ जिहदे पक्के मकान सी ते पक्के मकान तोड़िए फिर पक्के बनी है ते जिहड़े गरीब ने इंदे 7 दिन दी हालत दिक्खो हां बेचारे दी इंदा 5 वारी असीं फार्म लवाया 5 वारी कैंसल होई आ एक बार भी इंदा मकान बनया गरीबें वास्ते स्कीम आई गरीबें मकान बनाइए दियो पक्के गा जिहड़े तोड़ी तोड़ी फिर पक्के बनाइए देई जा तुस जिने इन्हें वोट दिते जां जिहड़े इंदे कलोए ने कौंसलर चेयरमैन दे उंदे फिर मकान बनी आ दे बेचारे मैं 5 वारी इंदे कोल जाई चुके हां 5 वारी इंदा फार्म लाई चुके हां 5 वारी कैंसल होई आ। मौसम साफ होने के बावजूद जम्मू शहर आज सुबह कोहरे की चपेट में रहा जिस कारण मौसम ठंडा रहा और तापमान में खासी गिरावट देखने को मिली। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रही और लोग सड़कों पर कोहरे के कारण धीमी रफ्तार से आते जाते दिखाई दिए। वहीं बात करें सीमावर्ती इलाके आरएसपुरा की तो वहां पर आज सुबह कोहरे की चादर बिछी हुई दिखाई दी जिस कारण मौसम काफी ठंडा था। लोग कोहरे के चलते सर्दी से बचते दिखाई दिए और आग जलाकर अपने आप को सर्दी से बचा रहे हैं। और अब चलते चलते अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर जम्मू में हुए कई कार्यक्रम आयोजित, मतदाताओं को वोट के महत्व के बारे में किया गया जागरूक। भारतीय जनता पार्टी के नेता और चनेनी के पूर्व विधायक दीनानाथ भगत कांग्रेस में हुए शामिल।
गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू संभाग में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध, जगह जगह नाके लगाकर वाहनों की जा रही है जांच। और श्रीनगर में आतंकियों ने हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर ग्रेनेड फेंकने की घटना को दिया अंजाम, 3 नागरिक हुए घायल। इसके साथ ही जेएलके मीडिया न्यूज में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.